अभी मैं दूसरी चीज दिखाता हूँ तुम लोग, जो गर्मी में निजात दिलाती है। ये ना मैं पहले अपने भराई के बकरे, जो मैं भराई करता था ना, वो वाले बकरों को जब गर्मी हो जाती थी ना, दो चीज पिलाया करता था मैं। आप लोगों को दोनों चीज बता देता हूँ, उसमें से एक का पहला काम देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे थर्मामीटर निकल चुका है। थर्मामीटर क्यों निकला है? कल जो हमने नया जानवर लेके आया उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कितने दिन के बाद ये वाला व्यू देखने मिल रहा होगा आपको। हाँ बस बस, कितने दिन के बाद ये वाला व्यू देखने मिल रहा होगा आपको। फैन शुरू हो गया, खुल गया, फटाफट इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं भाई। टेम्परेचर चेक करेंगे तो टेंशन नहीं। कितना अच्छा था ना हमारा गोल्ड रूम, घर से बाहर निकलो डायरेक्ट गोल्ड रूम में घुस जाओ। अभी हमारे फार्म पे जाने के लिए हमें 26 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है, फिर पहुंचते हैं हम फार्म पे। इंशाल्लाह मगर एक दिन ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग हो देखते हैं। अरे ये भी एक्शन में आ रहा है। चलो फटाफट इसका टेम्परेचर चेक करके देखते हैं। फिर सोच रहा हूँ इसको यहीं पे रखो या लेके जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले टेम्परेचर लेते हैं फिर डिसाइड करता हूँ। वैसे तो सोचा था कि यहीं पे रखूंगा, मगर फिर यहाँ वहाँ दोनों जगह कहाँ ध्यान देंगे हम। बस बात ये, दोपहर के 12 बज गए भाई, अब हम निकल रहे हैं फार्म पे। और हम फार्म पे अकेले नहीं निकल रहे, हमारी जो न्यू एंट्री उसको लेके निकल रहे। मैंने सोचा था कि यहीं पे रखूंगा, यहीं पे क्वारंटाइन करूंगा, मगर यार दो जगह है ना, निकल जाएगी वहीं पे रहेगा ना, टेंशन नहीं रहेगा, तो इसके लिए वो हिसाब से लेके जा रहे हैं। आओ क्या अम्मी जान, अल्लाह हाफिज। देखे कैसा था, मजा आ गई? जो ये है ना चॉइस, वो कोई नहीं उसका जवाब लाजवाब है वो। जला कल्ला, कब होता तुम्हारा बर्थडे? बर्थडे नहीं करते अपन। अच्छा हाँ, वो जो भी है जो कर रहे गेट टुगेदर कब करते? शादी वादी सब हो जाने दे, अभी रिश्तेदारों की सब के निकलेंगे। यार अम्मी का बर्थडे 16 तारीख को, सबको पता है बर्थडे तो ऐसे ही नहीं करते, मगर जो गेट टुगेदर सब आपा लोग आए थे, सब लोग आए थे, पर हम लोगों ने कुछ और प्लान किए हुए। 14 को संदल, 15 को कवाली, 16 को उरुस। संदल और कवाली का कैंसिल हो गया। अच्छा कैंसिल हो जाएगा, 16 तारीख को ही जाएंगे डायरेक्ट उरुस करेंगे भाई। अरे तुम्हारा वो जो गेट टुगेदर हो जाएगा ना एक बार, तो फिर मैं यार अपनी डाइटिंग शुरू कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही फैल गया हूँ। अभी मैं कल आलू का पराठा खाया था, अब मैं खुद आलू की तरह हो चुका हूँ। इसके लिए फटाफट से अपने को डाइट शुरू करनी पड़ेगी। अगर डाइट नहीं शुरू करे तो हम ऐसे ही फैलते फैलते आलू से अदरक हो जाएंगे। आलू से अदरक नहीं हो जाएगी, आलू से बड़ा कद्दू हो जाएगा। चलो भाई, अभी मैंने सोचा था कि यहीं पे रखूंगा इसको, क्वारंटाइन करूंगा, मगर नहीं यार, लेके चल रहे हम तो इनोवा को निकालते और बढ़ते आगे फार्म के लिए। अब जब गेट टुगेदर होगा कुछ दिन बाद, तो यार वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, फिर मैं थोड़ी ना डाइट करके वो सब चीजें देखते रहूंगा, या फिर डाइट करके उस दिन वो खा लूंगा, ऐसा नहीं करूंगा ना मैं। तुमको मालूम है ना, तुम्हारा भाई एक बार आता है तो फिर आफत ही डाल देता है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलो बहुत गंदी हो चुकी है ये। अरे बाप रे, ये सारे डाग जो है ना, ये आपको बता भी नहीं सकता किस चीज की वजह से हुए। ऐसी पब्लिक नाच रही थी पानी में, उड़ी मार मार के लीड़ लीड़ के नीचे, वो उसी का पानी उड़ा हुआ सब। यहाँ पे बांध के रखा था मैंने रात में, हरी पत्ती थोड़ी थी वो खिला दिया। मैंने सोचा था कि यहीं पे क्वारंटाइन करेंगे, और कुछ और भी जानवर आने वाले 4, वो भी यहीं पे सोचा था मैंने क्वारंटाइन करूंगा, मगर बात तो वही है ना कि जैसा हम सोचेंगे अगर वैसा होगा तो ऊपर वाले को याद करेगा। एक्चुअली ना वहां पे अभी आसानी हो जाती है, सारी चीजें वहीं पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जबरदस्ती दो दो जगह पे हैंडल करने से बेहतर है कि एक ही जगह पे रहेंगे जानवर तो सही रहेगा, तो इस वजह से लेके जा रहा हूँ इसको मैं। जबरदस्ती के परेशान हो जाएंगे हम, यहाँ भी वहां भी और ना जाने कहाँ कहाँ। चलो दोपहर के 12 बजने आ गए भाई, और अब निकल रहे हम लोग। चलो लेट्स गो टू द फार्म। दोपहर के 1:20 हो गए भाई। चलो अपनी न्यू एंट्री को पीछे बांध दिया मैंने वहां पे खूटे पे, वो जरा रिलैक्स कर रहा है अभी, हवा खाएगा मस्त। अरे लॉक खोलो, माशाल्लाह रूल्स आर गेटिंग फॉलोड, ऑल शेड एंड ऑल इज लॉक, एवरीथिंग इज लॉक्ड हियर, अंटिल एंड अनलेस आई एम हियर थिंग्स इज गोइंग टू बी अनलॉक्ड। भाई साहब दोपहर के 2:20 हो गए, आने के बाद जो मैं लगा हुआ हूँ तो अब तक लगा हुआ ही हूँ। बीच में बस हमने ब्रेक लिया था जोहर की नमाज के लिए, उसके बाद फिर लग गए, तो ये सारी चीजें चल रही है। ये जो सडन क्लाइमेट चेंज और फिर बारिश और धूप तो है ना भाई बेहिसाब हो गए, गर्मी हालत खराब कर रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ स्टॉक बिजनेस, यही तो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ बस आपको तैयार रहना है हर चीज के लिए। सवेरे के 11 बज रहे,
एंड दिस इज द नेक्स्ट डे गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। कल इतने बिजी हुए हम काम में कि ब्लॉग ही नहीं कर पाए और उसी कारणवश जो है कल ब्लॉग नहीं आया। अभी ब्लॉग स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कल ब्लॉग आएगा। अभी फटाफट नाश्ता करते हैं। क्या बना हुआ है नाश्ते में अमित जान? क्या बना हुआ है नाश्ते में? मिसल। मिसल? अरे इधर देख के तो बोलो। मिसल बन रही है। और ये क्या बन रहा है? ये अचार बन रहा है। अचार बन रहा है। तुमको नहीं मिलेगा अचार। अगर अचार खाओगे तो फिर खांसी भी तो करोगे भाई साहब। घर फिर से भर चुका है माशाल्लाह। इनाया इज बैक, आमना इज बैक, हमारी अहलिया इज बैक, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी इज बैक। चलो फटफट खाते हैं नाश्ता और निकलते हैं। इसका इंतजार रहेगा, पब्लिक को देखना है कैसे बनती है ये, कैसा बनेगा ये। ये तो सिर्फ मसाला बन रहा ना? मसाला बन रहा सिर्फ। अचार का मसाला कौन सा वाला बन रहा है? पंजाबी बन रहा है? पंजाबी अचार बन रहा है। ओ क्याल पाजी तो अड्डा साडे घर भी पंजाबी अचार बन रहा है। बराबर बोलेगा मैंने। अम्मी को आती है पंजाबी। क्या सरसों का तेल डाल रहे? हाँ डालो डालो, सरसों के तेल से याद आया मुझे भी दो तीन आइटम लेके जाने, लेके जाऊंगा याद से। एक आइटम तो फ्रिज में ही रखा हुआ है और वो है ये। क्या है ये बताते हैं आपको। पहले नाश्ता तो कर लिया, बड़ी भूख लगी है। तुम्हारा भाई भूखा है फिलहाल। हाँ मगर कुछ दिन के बाद भूखा तो नहीं रहेगा, मगर तरीके वाली चीजें खाना शुरू करने वाला तुम्हारा भाई। इंशाल्लाह वही वाली जो हम पहले खाया करते थे। चलो भाई नाश्ता तो हमें। वाओ मिसल पाव एंड प्याज। भाई साहब हमारा नाश्ता गर्म होने लग के यहाँ पे अचार बन चुका है। ये देखो कैरिया भी पड़ गई। मम्मी हाउ फास्ट यू आर मैम? आगे की प्रोसीजर बाकी। बाकी है तो प्रोसीजर करते हम नाश्ता करते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। मेरा नाश्ता तो गर्म कर रहा था, मैं कुछ चीजें तैयार कर रहा था। वो क्या तैयार कर रहा था? काम के लिए। क्या तैयार कर रहा था? नाश्ता वास्ता कर ले, वो जब इस्तेमाल करेंगे चीजें तब आपको बताते हैं। अरे तुम फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ के क्या कर रहे हो? अच्छा तुम सीख रहे हो क्या? बुढ़ी अम्मा है तुम? बुढ़ी अम्मा ही कितने दिन का बोरिया बिस्तरा है? ये बस एक दिन का बोरिया बिस्तरा है माही। चलो भाई हमारी कार मस्त साफ हो गई। कल मैं आया था ना, कल जब रात में मैं आया तो मैंने कार यहीं पे लगाई और बोला धोने के लिए। सवेरे सवेरे धुल गई कार एकदम मस्त। माही एक दिन के बोरिया बिस्तरा इतना सारा? माही आराम से जरा सीट सीधी करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। चलो अपना सामान आ गया, चलो बढ़ते हैं अम्मी को लेना। इनको एक्चुअली ड्रॉप करना है हमारे आपा के पास, हमारे मजले आपा के पास, वहां पे ड्रॉप करना। और हमको भी तो शाम में वहीं पे जाना है। चलो फिलहाल फार्म के लिए बढ़ रहे हैं, मगर उसके पहले दो स्टॉप होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनको छोड़ना है तो एक ही स्टॉप होगा, मगर ऐसा नहीं है। इनको छोड़ने के पहले भी एक स्टॉप होगा और वो स्टॉप कहाँ होगा? यू गाइज नो मैन। तुम्हारा स्वागत लीची के साथ। दो लीची दो। 80 रुपए पाव। 80 रुपए पाव? बहुत ज्यादा महंगी नहीं हो गई? छील के देंगे। क्या बढ़िया था गुरु, छील के। ये तो वही बात हो गई, महंगी चीज नहीं मिली तो सस्ती को महंगी कर दिए। माल तो एक नंबर है, एकदम कड़क माल है ना। रेट सही लगाओ, ले लेते। आज अपने फार्म पे जाने से पहले यहाँ पे रुक रहे हैं, कुछ अपने बकरे देख रहे हैं। भाई साहब हमारे बकरे भी कुछ है यहाँ पे अभी तक। वैसे तो ये अपना ही फार्म है भाई का, और वैसे भी यहाँ पे सेट जानवर थे ना अपने, इसके लिए हमने हलाया नहीं। जैसा हम अपने जानवर के लिए सोचते वैसे आपके जानवर के लिए भी सोचते। ये देखो, ये देखो मस्ती देखो इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कर मस्ती कर, बस सिंग मत तोड़वाना। तो अभी हिलेंगे नहीं ना, वो ही करते रहे। हाँ ना माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। देखो ये अपना शिरोई माशाल्लाह, इसके अंदर क्या बैठ गया नारा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सही है, सब मस्ती में आ गए आप लोग देख के माशाल्लाह। ये एक अपना माशाल्लाह, इसमें से एक पलटी होगा सिर्फ, ये वाला पलटी कराएंगे सिर्फ। बाकी के जो दो है उसमें से एक बिकेगा और एक कुर्बान होगा ना शायद से। एक बेचने का एक सेल की वीडियो बनाता हूँ, बाद में बनाऊंगा। अभी हम लोग ना रील के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाने की। पिछले बार हम लोग जब अल्यूम गए थे तो काफी तरह हमने रील बनाई थी। इंशाल्लाह देखो ये वाला बकरा जो है बेचने का है, ये बताएंगे आप रील के जरिए बताएंगे इंशाल्लाह। क्या वेट करेंगे? 75-80। वो तो पहले करे थे तो 77 या 78 था। अच्छा माशाल्लाह देखो ये, हाँ छठा दांत देखो भाई। अगर कुर्बानी के लिए चाहिए या पलटी के लिए चाहिए तो कॉन्टेक्ट करो हमें, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, आपसे बात कर लेंगे हम। और तुम क्यों नहीं पलटी करवा रहे हो?
अरे अपने पास बहुत हो गए अपने फार्म पे ही कितने हो गए। और मैंने आपको ये ब्लॉग में बोला ना थोड़ी देर पहले कि चार और आने वाले, तो वो चार जो आने वाले वो भी यासर भाई ने लिए माशाल्लाह। तो अगले साल की पलटी के लिए काफी सारे बकरे हैं, इसके लिए ये वाला एक बकरा जो है आगे बढ़ाएंगे। तो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड बताओ हमको डीएम में। क्या बात है माशाल्लाह, अच्छा बकरा है माशाल्लाह। फिर होगा शुरू, देखो। चलो भाई थोड़ा घूम लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। माशाल्लाह सारे जानवर ऐसे खड़े हो जाते हैं, मजा आती है ऐसे देख के। देखो जो अपने थे वही दिखाए हमने यहाँ पे, दूसरे जानवर नहीं दिखाए, यू नो ना, यू गाइज नो मैन। चलो इट्स टाइम टू गो टू आवर फार्म। दोपहर के जो है 2:11 हो रहे हैं, फटाफट जाते हैं और काम शुरू करते हैं। आज हम कुछ कर रहे हैं, आपको बताया था सवेरे हमने कुछ लिया है, आपको बता देते वो क्यों लिया है और क्या लिया है सब बताते हैं। थोड़ा इंतजार बने रही है वीडियो के साथ। चलिए दोपहर के 2:40 हो गए एग्जैक्ट। सवेरे मैं जब घर से निकला था तो मैंने फ्रिज में से ये लिया था, ओआरएस का घोल है। अब जितने भी हमारे जानवर है उनके वाटर ड्रिंकर में डाल देंगे ताकि उनको ये चीज मिल जाए। गर्मी से जो डिहाइड्रेशन हो रहा है वो चीजों की जो कमी हो जाती है बॉडी में, इससे पूरी हो जाएगी। तो सब जानवरों को हम लोग दे देंगे, एक एक जानवर के पास आधा आधा पैकेट करेंगे कंप्लीट। और इसके अलावा भी जो है हम लोग कुछ चीजें ऐड करने वाले हैं फीड के अंदर, तो आप लोग भी वो कर सकते हो अलग से। हम लोग तो फीड में खिलाएंगे मगर आप लोग अलग से करते हैं। वो क्या चीज है वो बताता हूँ, मगर उसके पहले जो है ओआरएस का जो ये पाउडर है ये सबके वाटर ड्रिंकर में डालता हूँ ताकि सब लोग पी ले शाम तक, ये सबके बॉडी में चले जाए। देख रहे हो ब्रो क्या है ये, क्या है ये? ओआरएस का घोल है। जब हमारे बॉडी में से पानी बहुत डिहाइड्रेशन की वजह से चले जाता है ना, तो डॉक्टर हम लोग को रिकमेंड करते हैं, तो हम लोग भी पीते ही है डिहाइड्रेशन के टाइम पे। तो हम लोग ये गर्मी के लिए खास दे रहे, था अपने पास घर पे तो ये लेके आ गए। और इसके अलावा भी एक चीज लेके आया उन्होंने, वो बताओ, वो तुमको ही बताता हूँ और फिर इनको ही बताता हूँ। फिलहाल अभी ये डालता हूँ, ये वाटर ड्रिंकर में डाल दिए, आधा आधा पैकेट डालेंगे, आराम से पी लेंगे, मस्त पियो भाई। अभी नहीं पिए तो भी कोई बात नहीं, बाद में पी लेना। ये तो पियो पियो पियो, हमला ही कर रहा है तो डेरे। एक एक जानवर को आधा आधा पैकेट ताकि जो डिहाइड्रेशन की कमियां हो रही है तो वो पूरी हो जाएगी। अगर नहीं भी हुई है कमी तो भी इसका कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, फायदा ही होगा इंशाल्लाह। हम अगर ठंडी में नहीं आ, ये चीज ठंडी में नहीं देते, अगर ये चीज ठंडी में दी है तो फिर छाती में हो जाएगा कफ और जानवर अलग परेशान हो जाएगी। पत्ते खिलाए जा रहे हैं खुद के हाथ से, अच्छा लगता है। ये तुम्हारे को पहले से आते थे यार? ये देखो मैं जब से जानता हूँ ना इनको, जब जब भी ये घर पे आते थे, अपना जानवर हो या किसी और का हो, ये हमेशा ना अपने हाथ से जानवर को खिलाते। फिलहाल जो है ओआरएस का सबको डाल के हो चुका है। अभी मैं दूसरी चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को जो गर्मी में निजात दिलाती है। ये ना मैं पहले अपने भराई के बकरे, जो मैं भराई करता था ना, वो वाले बकरों को जब गर्मी हो जाती थी ना, दो चीज पिलाया करता था मैं आप लोगों को। दोनों चीज बता देता हूँ, उसमें से एक चीज बताता हूँ जो अभी मेरे पास प्रेजेंट है जो मैं देने वाला हूँ, और जो दूसरी चीज है वर्बली बता देता हूँ जो आप लोग यूज कर सकते हो। तो जब भी मैं जानवरों को भराई करता था ना, तो गर्मी में अक्सर क्या होता था, बकरे हाँफते थे ज्यादा गर्मी की वजह से, और गर्मी में हमारे बॉडी में ना हीट ज्यादा पैदा हो जाती है। तो उस हीट को कंट्रोल में रखने के लिए ना मैं दो चीज पिलाया करता था। एक चीज तो थी ये अपना सब्जा, तो पानी में मैंने भिगा लिया था घर पे जब मैं नाश्ता करा तब, और इसको साथ में लेके आ गया। ये तो मैं कैसे खिलाऊंगा, ये तो मैं फीड में खिला दूंगा, मगर आप लोग अगर इसको खिला रहे हो ना तो चमचे से खिला सकते हो। आप लोग 2-3 चमचे खिला दो एक बकरे को 50-60 किलो के, ये पेट को ठंडा कर देगा, जो पेट के अंदर की गर्माहट है उसको मार देगा ये। हम लोग जब डाइट पे जाते हैं, जब ज्यादा चिकन खाते हैं बाकी सारी चीजें लेते हैं, तो वो टाइम पे भी हम लोगों को सब्जा जो है खाना पड़ता है हमारे पेट की गर्माहट को कंट्रोल में रखने के लिए। और इसके अलावा दूसरी चीज होती है ताक, छाछ, वो भी मैं अपने भराई वाले बकरों को पिलाया करता था, और जो नॉर्मल बकरे उनको भी पिला सकते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ गर्मी के टाइम, ताकि पेट की हीट जो है वो कंट्रोल में रहे। ये याद रख, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये भी आज से इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारे बकरों की हीट जो है वो कंट्रोल में रहे। और इसकी हमारी जो छोटी बकरी का जो टेम्परेचर था वो अभी कहीं हमें जाकर दिख रहा है कंट्रोल में आया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी ज्यादा हो रही है ना उसकी वजह से सारी दिक्कत आ रही है। चलो अभी जो हमारी न्यू एंट्री हुई थी परसों, जो मैं मुंबई जाके लेके आया था, फटाफट से उसको जाके ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसका टेम्परेचर देखता हूँ मैं, और उसको कुछ दवाइयाँ देनी हो देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तो लग रहा है, बाहर लेके चले गए उसको, बस ट्रीटमेंट बचा हुआ है, बस दुआ आप करते रहना, काम हम कर रहे हैं। ये देखो ये वाला दरवाजा भी खुलवा दिया मैंने, ये वाला दरवाजा इसके लिए खुलवाया मैंने क्योंकि यहाँ से जो है यहाँ पे जो हवा आएगी, देखो ऐसा ये ओपन पैसेज है, यहाँ जो हवा आएगी फिर वो यहाँ पे भी जाएगी, तो यहाँ पे भी एकदम मस्त, जितना वेंटिलेशन रहेगा उतना अच्छा है। क्या हो गया, फीडिंग का टाइम हो रहा है, आ रहा हूँ बस आ रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर जो है ना
ऊपर बैनर भी पड़ गया, ये बैनर कट जाएगा यहाँ से, तो अभी है ना वहाँ पे पानी नहीं गलेगा, वो जो साइड पे बैनर है ना नीचे आया हुआ वो भी कट जाएगा, वो कट जाएगा और बाकी दूसरी जगह पे लगेगा। फिलहाल जो है अभी अपनी जो न्यू एंट्री उसको खोला गया है और सर दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं, अब ये घूम रहा है यहाँ पे, इसकी एक्टिवनेस चेक कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है भाई, वही कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अब तक तो सही, और इंशाल्लाह आगे भी सही रहेंगे। हाउ आर यू फीलिंग ब्रो टुडे? अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया आज, पत्ते खिलाए अपने हाथ से तुमने बैठ के, मजा आ गई। भाई मैं लाइव भी गया था इंस्टाग्राम पे लाइव भी गया मैंने, काफी सारी बातें की। तो फिलहाल जो है हम लोग फीडिंग का टाइम का वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी 5:10 हो गया, ट्रे साफ हो रही है, सबको फीड भी पड़ जाएगा इंशाल्लाह। ज्यादा मस्ती कर रहा था ना अभी, सही है। चलो बॉयज वी आर गोइंग, दूध वाले भैया जा रहे हैं। दूध वाले भैया अल्हम्दुलिल्लाह, मिल्क ऑफ आवर गोट्स अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई लेट्स गो, अभी हमने क्या किया था अफलातून को और पंजाबी को छोड़ दिए थे, यहाँ पे मस्ती कर रहे थे फुल ऑन, उसकी वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह जब बिक जाएंगे जब डाल देंगे रील्स पे, जब मजे लेना आप, है ना। अभी फिलहाल हमारे लिए बस बालों का हाल देखो, चलो फटफट अभी पहुंचते हैं घर। निकलते निकलते ही 6:30 हो गए, अब मुझे घर जाके फिर से वापस आना है। हमारे मजली आपके तो दावत है ना, बोला था ना, वो भी घर पे नहीं है, गोडाउन पे। चलो 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 जल्दी पहुंचते हैं घर पे, बच्चे लोग सबको तैयार होने बोल देंगे, जाएंगे तुरंत फटाक से पिकअप कर लेंगे। अरे अम्मी और माही को तो छोड़ दिया था मैंने, चलो सही है, ज्यादा घर पे गड़बड़ नहीं है, फिर फटाक से जाएंगे घर पे, फटाफट फ्रेश होंगे और फिर निकलेंगे। मगर यहाँ से तो निकले पहले, मजा आ गया आज नई जगह पे मेरिडियन खाया हम लोगों ने, नई जगह पे भाई मजा आया क्या। चलो चलो फटाफट अभी अंदर चलो खा लिए भाई, खा लिए, रात के 12 बजे आए और खा लिया हमने, मेरिडियन हमको मिल गया, वी आर कट्टर मेरिडियन। लुक एट द हैप्पी फेसेस, शो योर क्लोथ्स। अरे यू आर स्टिल ईटिंग आइसक्रीम? बापरे माही तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। रात के 12:12 हमारे 12 बजे हुए, चलो अभी घर पे जाने की बारी, सबको आइसक्रीम खिला दिए। आज हमारी बारी नहीं थी, आज बारी किसकी थी आपको पता है? आज इनकी बारी थी, था ना तेरे साथ आए थे। मगर आप खाला भी थे, मगर खाला आज गाड़ी में थे, खाला दूसरी गाड़ी में थे। चलो हैप्पी एंडिंग गाइस, हैप्पी एंडिंग, अभी जाते हैं घर और आस्था अभी क्या कहते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ये ब्लॉग से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा, गर्मी में क्या पिला रहे क्या खिला रहे देखे ना आप लोगों ने हमने जानवर को। तो चलो टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला वीस्टा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय गाइस, गुड बाय, सी यू सून गाइस। हाँ और मैंने लाइव में गलत बोल दिया था, आजा मैं मंडे ट्यूजडे नहीं जा रहा हूँ, शायद वेनेसडे थर्सडे जा रहा हूँ, शायद नहीं वेनेसडे थर्सडे ही जा रहा हूँ, मगर अगले हफ्ते जा रहा हूँ पक्का इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय वंस अगेन। जाओ ना रे, 12:13 हो गए ना, आता ना फिर से कल, जाओ जाओ जाओ, अभी भी नहीं गए, अरे जाओ ना। 12:15 हो रहे रात के, वी टुक अ स्मॉल ब्रेक फॉर व्हाट, फॉर दिस, फॉर आइस एप्पल। जब डाइट ने घर पे ना तो सब चालू रहे, फुल तोड़ देगा, ओनली तोड़ो, पता नहीं क्यों पेना मालूम, मैंने आज पेट नहीं देखना घर के, तुम्हारे भाई का पेट बहुत बढ़ गया गाइस। अरे अभी बस एक हफ्ते की और बात, फिर कैसा जाता देखो अंदर, फिर ऑफिस से धूम मचा ले धूम। चलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय वंस अगेन। पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्या पी रहे हो? स्प्राइट और नींबू, स्प्राइट और नींबू, सबको असली माल तो दिखा नहीं रहे हो, अरे असली माल तो दिखाओ, अरे बाप रे गाइस, वी आर स्टिल पार्टिंग, इट्स चिकन 65 विद सम सेजवान सॉस एंड स्प्राइट विद सम पेप्सी कोलास, मजा आ गया तोड़ने का, रेसिपी तोड़ने का, आंदो भाई आंदो, ओनली फायर, नो कॉम्प्रोमाइज।